पिछले हफ्ते हमने आपको एक जी बेस फ्लूइड का मेजरमेंट दिया था, तो ये रहा वो फ्लूइड का फाइनल मेजरमेंट। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको आसानी होगा अपना फ्लूइड बनाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग यह पूछ रहे थे सर फ्लूइड का मेजरमेंट नहीं दिया आपने, तो ये रहा वो, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो आज एक नया फ्लूइड का मेजरमेंट आपके सामने तैयार करेंगे और आपको देंगे, जिसे आपको आसानी हो समझने में। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सारे मेजरमेंट के बाद आप कहते हैं पर मेजरमेंट ढूंढने से नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस थोड़ा दिखा देते हैं। ये जो हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग के बाद अमित गोस्वामी फ्लूइड मेजरमेंट्स, कोई भी गैप मत दीजिएगा, एक के बाद एक लिखिएगा यूट्यूब में या गूगल में, तो आपको इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। और सारे जो मेजरमेंट है आपके, जितने भी मेजरमेंट्स हैं मैंने दे के रखे हैं, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे फ्लूइड बनाने के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो फ्लूइड बना के या दिखा के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फ्लूइड कैसे बनाते हैं वो जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर का जो बटन देख रहे हैं उसको प्रेस करें। तो करने के बाद अपने चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ को वहाँ पे दिया हुआ है, कैसे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत उन सारे वीडियोस को देखें, ठीक है। तो आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट देंगे इस साइड से, ये वाला साइड, ये टोटल जो लेंथ होगा वो 33.5 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट के साथ पीवीसी पाइप या बैम्बू, अगर आपके पास है जो भी अवेलेबल है उसके साथ आप फ्लूइड बना सकते हैं। फ्लूइड में जो वॉल थिकनेस है वो आपको थोड़ा लिख के बताते हैं। तो ये है वॉल थिकनेस 2.5 mm, पीवीसी पाइप अगर होगा तो ठीक है, अगर बैम्बू आपके पास है तो बना लेना है घिस के। तो इसको कैसे करते हैं हम, वो भी वीडियो अपने चैनल में है। फ्लूइड का जो इनर डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब ये वाला जो अंदर का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बता देते हैं, वो 1 cm.3 mm। कॉर्क का पोजीशन होगा ब्लोइंग होल से 2.5, जैसे हम रखते हैं वैसे ही आप रखें। ट्यूनिंग करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो कैसे एडजस्ट करते हैं हम। 1 cm इसका थिकनेस है, ये जो पैड हमने लगाया है कॉर्क या स्टॉपर जो भी बोल सकते हो, ठीक है, वो 1 cm होगा। इसका डालने के तुरंत बाद ही आप लोगों का एक डिमांड रहता है कि सर डायमीटर नहीं बताया, तो सबसे पहले आज इसी को इंक्लूड कर रहे हैं वीडियो में, तो इसको पहले आप नोट ले लीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 7 होल का डायमीटर हम सबसे पहले दे देंगे। अभी जो माउथ होल या एम्बाउचर है उसका डायमीटर पहले लिख देते हैं। लिखा हुआ देखने को मिल रहा है 11 mm, फिर सेकंड वाला 10 mm, थर्ड वाला 10 mm, फोर्थ नंबर जो होल है वो 11 mm होगा। जैसे कि जानते हैं 5 नंबर होल थोड़ा साइज में बड़ा होता है, पर ये छोटा सा इसका फ्लूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी 11 mm रख सकते हैं। और आगे वाला जो है ये 10 mm आपको रखना है। नंबर होल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्यूनिंग होल है ये, तो ये 9 mm, ठीक है। यहाँ से टॉप से ये जो मिडिल पोर्शन है ब्लोइंग होल का, इसका डिस्टेंस जो आपको बनाना है वो मार्क कीजिएगा 4.5 mm, ठीक है, 4 cm 5 mm पे आपको इसको क्रिएट करना है। अगर 1 by 1 हम सारे मेजरमेंट यहाँ पे हम भी लिख के देंगे, आपको सिर्फ इसको देख के कॉपी कर लेना है। अपना जो चैनल है 10,000 मेंबर्स ऑलरेडी होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही और भी कुछ नया चीज़ इंक्लूड करने वाले हैं, तो इसको जो क्राइटेरिया है इसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जिनको फ्लूट बना के बजाने में अच्छा लगता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।